लैलतुल कद्र की फजीलत और लैलतुल कद्र की मसनून दुआ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और सवाब की नीयत से रखे तो इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए जाएंगे, और जिसने लैलतुल कद्र में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम किया तो इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मुझे लैलतुल कद्र नसीब हो जाए तो मैं क्या दुआ मांगूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, ऐ अल्लाह, आप माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं, लिहाजा मुझे माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लैलतुल कद्र में नाजिल किया और ये रात हज़ारों महीनों से अफजल रात है। अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल कद्र की रात नसीब फरमाए। आमीन सुमा में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।